Good morning, students. In our previous video, we saw that a school in future time, 2157 years, and the Tommy and the Baji had found a real book, and they talked about the school and the book, and we saw that the future time. विच टाइप ऑफ स्कूल दे हैड, किस तरह का उनका स्कूल था, कैसे मैकेनिकल टीचर उनके थे और कैसे सब मैकेनिकल ही, सारा कंप्यूटर के थ्रू ही उनकी स्टडी होती थी. तो वो जब अपने टाइप के या पास्ट स्कूल के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा फील करते हैं, वो हम नेक्स्ट इस वीडियो में देखेंगे. नाउ लेट वी स्टार्ट आवर सिक्स पॉइंट. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी जो था वो बहुत सुपीरियर आइज, क्यों? क्योंकि उसने वो बुक के बारे में पढ़ा तो उसे ऐसा लग रहा है कि माजी जो कुछ नहीं जानती. क्यों? माजी तो केवल क्या जानती है कि उनके क्या होता था, उनका एक अलग से रूम होता है और वहाँ पर अकाउंट रोबोट होता है. रोबोट उन्हें क्या करता है, उन्हें पढ़ाता है. उनके स्क्रीन पर बहुत बड़ी स्क्रीन होती थी, उस स्क्रीन पर उन्हें क्वेश्चन आंसर्स मिलते थे. तो उन्हें ऐसा लगता था कि हमारा जो स्कूल है वैसा ही स्कूल होता है, उसके अलावा उसने कोई स्कूल के बारे में सुन नहीं रखा था. तो टॉमी ने उसे जब पढ़ा बुक को तो उसने उसकी तरफ देखा. बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. फिर वो कहता है स्टूपिड मींस मोस्ट, ये हमारी जैसे स्कूल नहीं है कि एक अलग रूम में हमें बैठा दिया और हमें क्वेश्चन आंसर या पढ़ने के लिए बैठा दिया अलग अलग सेक्टर के सब्जेक्ट के लिए. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर ऑफ अगो. कहते ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है, ये बहुत पुरानी हंड्रेड एंड हंड्रेड ईयर अगो की बात है और उस समय की ये स्कूल है. ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो. और वो लॉफ्टली मतलब एक अजीब सी तरीके से वो बोलता है कि उस समय के लोग, पुराने समय के लोग, मतलब सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले. सेंचुरी का मतलब वो इस तरह से उसको प्रोनाउंस करता है, सेंचुरीज अगो. माजी वॉज हर्ट. वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. माजी कहती है कि उसे बहुत, वैसे भी स्कूल के नाम से ही हेट हो रही थी, क्योंकि वो कहती है कि उसे वो स्कूल का नाम ही पसंद नहीं है, क्योंकि उसका जो रोबोट था वो बिगड़ गया था और उसको क्या दिया जाता था, ज्योग्राफी सेक्टर टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहा था, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था. तो वो स्कूल के बारे में सुनना पसंद नहीं कर रही थी. ऑल दैट टाइम शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल. लेकिन फिर भी थोड़ी सी देर वो आप उसके टॉमी के शोल्डर पर आकर, पीछे की साइड में आकर वो उस बुक की तरफ देखना चाहती थी. देन सेट एनी वे दे हैड अ टीचर. फिर वो कहता है कि उनके क्या होता था, एक टीचर भी हुआ करता था. आप जिस पिक्चर में इस तरह से देख रहे हैं कि जो पिक्चर है वो क्या है, पिक्चर में आपको दिख रहा है कि जो माजी की जो इमेजिनेशन है, जैसे टॉमी बोलता है कि वो उनके क्या होता था, एक टीचर है ना, रोबोटिक टीचर भी होता था. तो सॉरी रोबोटिक नहीं, फिजिकल ह्यूमन टीचर, फिजिकल टीचर जिसको आप बोल सकते हो, वैसा होता था. तो इसकी इमेज में आप देख रहे हो कि इसकी इमेज में क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं जैसे हमारे आज की जो स्कूल है वैसा, और एक टीचर हमें पढ़ा रहा है. तो ऐसा आप देख रहे हैं कि दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, और जो टीचर होते थे वो मैन होते थे. और जैसे उसने ये वर्ड सुना कि टीचर जो थे वो मैन हुआ करते थे, उसे और भी ज़्यादा आश्चर्य फील होता है. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. रेगुलर टीचर का मतलब यहाँ पर आपके क्या आ रहा है, रेगुलर मतलब यहाँ पर जो इनके ये रोबोटिक टीचर है इनकी बात कर रहे हैं रेगुलर टीचर. तो वो कहते हैं श्योर दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर था, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. मैन हुआ करते थे वहाँ पर, ह्यूमन बींग हुआ करते थे. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. तो उसे और आश्चर्य होता है कि एक मैन, एक ह्यूमन बींग किस तरह से एक टीचर का काम कर सकता है. वेल He just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो फिर वो बताता है कि वो क्या करते थे, जो टीचर हुआ करते थे वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को समझाते थे सारे अपना जो मैटर होता था, स्टडी मटीरियल, और फिर उनसे क्वेश्चन पूछते भी थे, आस्क करते थे, मतलब इंटरेक्शन होता था आपस में. और हमारा जो उस समय का जो टॉमी और मार्जी वाला जो टाइम है, उस समय टीचर के साथ किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, किसी प्रकार की बातचीत आप नहीं कर सकते हो, एक बोरिंग सा माहौल लगता है. लेकिन जो हम जिस तरह के हम स्कूल में आते हैं वहाँ पर हम अलग अलग तरह का हमें माहौल मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो ऐसा होता है. सो अ मैन, हाउ वुड बी अ मैन अ टीचर. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव दैम होमवर्क एंड आस्क दैम क्वेश्चन. उन्हें क्वेश्चन भी पूछता था और होमवर्क भी देता था, जिस तरह से इनको भी होमवर्क तो मिलता है लेकिन उन्हें एक फिक्स स्लॉट में वापस डाल देना होता है. अ मैन, सेवन पॉइंट, अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ.
श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। बताए कि तो एक मैन इतना स्मार्ट थोड़ी होता होगा जितना कि आज के जो कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर पर देखते हो कि कितना सारा नॉलेज एक साथ आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। तो क्या वो कहते हैं, लड़की बोलती कि क्या एक आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है? श्योर ही इज़, बता क्यों नहीं। टॉमी कहता है माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, जितना मेरे टीचर जानते हैं उतना ही मेरे फादर भी जानते हैं, मतलब जो मैकेनिकल टीचर जानता है उतना तो मेरे फादर वैसे ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा, आई बैचा का मतलब यहाँ पर शर्त लगाने वाली बात होती है कि मैं बहुत कन्फर्म हूँ, बिल्कुल कन्फर्म हूँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे फादर ज़्यादा जानते हैं। माजी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट का मतलब होता है बहस करना। तो माजी जो थी उस समय उसका मूड नहीं था डिस्प्यूट या बहस करने का। शी सेट आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब वो क्या कहती है, वो कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी स्ट्रेंजर मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए, मैं किसी स्ट्रेंजर को अपने घर नहीं आने देना चाहती हूँ। स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी या अनजान व्यक्ति। जो स्कूल में आप जाते हो तो फर्स्ट टाइम तो आपको अजनबी टीचर या अजनबी स्टूडेंट्स भी मिलते हैं उस समय, लेकिन धीरे धीरे हमारी पहचान हो जाती है और हम फिर फेमिलियर हो जाते हैं। तो वो लड़की बोलती है कि मैं किसी भी अनजान टीचर को अपने घर में नहीं आने देना चाहती। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, स्क्रीम मतलब जोर से, अपन बहुत तेज़ जब हंसते हैं बहुत तेज़ आवाज़ आती है हंसने में, तो वो होती है स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच माजी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। वो क्या कहता है, क्योंकि इनके तो क्या टीचर, वो जो है रोबोटिक टीचर घर के अंदर ही रह रहा है, लेकिन वो क्या कहता है, दैट टाइम द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, उस समय जो टीचर थे वो कहाँ नहीं रहा करते थे, घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनकी क्या होती थी, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, जैसे आज हमारी हुआ करती है, हम स्कूल स्पेशल बिल्डिंग में यहाँ आते हैं और फिर बच्चे सब एक साथ आते हैं और फिर यहाँ स्टडी करते हैं। तो वैसे स्कूल के बारे में बात करता है, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे किड्स वहाँ जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और हर बच्चा सेम चीज़, मतलब जिस क्लास से जिस स्टैंडर्ड का है उस क्लास के अकॉर्डिंग वो सेम चीज़ सीखते हैं, सेम थिंग सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर सेम एज के हैं तो वो सेम चीज़ सीखते हैं, अदरवाइज अलग अलग एज के अनुसार उन्हें अलग अलग क्लासेस में रखा जाता है, जैसा कि आज हमारी जो स्कूल है उसकी ये बात कर रहे हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचेज एंड, जो क्या कहते हैं, माई मदर सेज, मेरी मदर कहती है जो टीचर है उसे एडजस्ट कर देना चाहिए बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर इसका किया गया नहीं कि जो ज्योग्राफी सेक्टर गड़बड़ हो गया था, ख़राब हो गया था, तो उसको 10 ईयर ओल्ड के लेवल पर उसको ले आए थे, एडजस्ट किया था। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि हम उनको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं जैसे। एंड दैट मच माजी, माजी दैट दे हैड स्पेशली, श्योर इफ दे वर द सेम एज, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट एंड माइंड ईच ऑफ गर्ल एंड टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और इसलिए हमारे यहाँ तो अलग अलग बच्चे को क्या सिखाया जाता है, अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट दे देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। Just the same, they didn't do it. वो ऐसा नहीं करते थे, they have they the way that way then if you don't like it, अगर आपको नहीं पसंद आता है, you don't have to read the book, तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए ये बुक, तुम्हें जब स्कूल पसंद नहीं है, स्कूल का नाम पसंद नहीं है, तो तुम्हें ये बुक रीड नहीं करनी चाहिए, टॉमी उसको ऐसा बोलता है। I didn't say like it, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, माजी कहती है मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। She wanted to read about those funny schools, क्योंकि वो भी जानना चाहती थी उन फ़नी स्कूल्स के बारे में, मतलब हमारे यहाँ पर जितना भी इन्जॉयमेंट होता था जो उसके बारे में वो जानना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड वैन माजीज मदर कॉल्ड माजी स्कूल, वो लोग पढ़ ही रहते दोनों और आधी भी ख़त्म नहीं हुई थी बुक, जितने से मदर कॉल करती है उनको आवाज़ लगाती है। माजी लुकड अप नॉट येट ममा, माजी ऊपर देखती है बोलती है अभी नहीं ममा, बाद में आएंगे। नाव सैड मिसिज जॉन्स, मदर का नेम होता है इस मिसिज जॉन्स, कहती है नहीं अभी आओ नाव एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू एंड ऑल्सो टॉमी हैव टू गो टू स्कूल एंड ही हैड ऑल्सो द टाइम फॉर स्कूल। माजी सेट टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं अपने स्कूल के बाद में हम ये बुक पढ़ सकते हैं वापस।
मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली। नाइन्थ पॉइंट में देखते हैं, नाइन्थ पॉइंट में देख रहे हैं मे बी, शायद। नॉन चैलेंटली का मतलब है वो शरारती भरी आवाज़ में बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। ही वॉकड अवे विस्लिंग, विस्लिंग करते हुए वो जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ, उसकी जो डस्टी ओल्ड बुक थी वो कैसी थी, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उसकी आँखों, सॉरी टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उसकी आर्म पर, उसकी क्या बोल सकते हो, उसकी भुजाओं के नीचे वो, मतलब दबा के उसने रखी हुई थी। एंड उसका जो था वो ख़त्म, उसका जो वो नीचे जा रहा था घूमते हुए। माजी वेंट इन टू द स्कूल रूम, माजी स्कूल रूम में चली जाती है। एंड इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के बिल्कुल जस्ट पास होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज एन ऑन एंड वेटिंग ऑन हर, जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था, वेटिंग कर रहा था उसका, क्योंकि मदर ने उसको ऑन करके रखा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे के अलावा उसे वो टीचर पढ़ाता था। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, उसे रेगुलर आवर्स से पढ़ना था, फिक्स टाइम था उसका, तो उसे फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना था। और आप देखें कि ये पिक्चर जो है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो उसका एक स्कूल सेटअप है पूरा सारा, आपको क्या दिख रहा है, मैकेनिकल चीज़ें नज़र आ रही है सारी, कैमरा, हेडफोन्स, कंप्यूटर स्क्रीन एंड ऑल दैट, रोबोटिक टीचर, रोबोट एंड ऑल द थिंग्स, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें नज़र आ रही हैं। तो मदर ने उसको सेट करके रखा था। नाउ द स्क्रीन वॉज लिट अप, फर्स्ट पहला इसका, द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन ऑन हो जाती है। एंड इट सेड टुडेज रिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज उसका किसका था लेसन, मैथ्स का था, और उसे प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ना था। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, बताया इंसर्ट कर दें आप कल का होमवर्क उसमें प्रॉपर प्लेस, स्लॉट मैंने आपको बताया था, एक जगह होती है जहाँ पर उसको उसे पेस्ट उसे रखना होता है। नाउ टेंथ पॉइंट, माजी डिड सो विद अ साई, माजी ने ये आह भरते हुए उसको कंप्लीट किया, उसे अच्छा नहीं लग रहा था कंप्लीट करना, क्योंकि उसका दिमाग कहाँ चल रहा था, उसी बुक में जो जिस स्कूल के बारे में उसमें बता रहे थे उसमें। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड वैन हर ग्रैंडफादर्स वॉज अ लिटिल बॉय, जब उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे तब के स्कूल के बारे में बात हो रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, और सारी नेबरहुड से जो बच्चे थे सब आपस में साथ में आते थे, इंजॉय करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में, स्कूल के ग्राउंड में सब जोर से चिल्लाते हैं, इंजॉय करते हैं। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, क्लासरूम में, स्कूल रूम में सब साथ बैठते हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द स्कूल, और सब साथ में ही जाते हैं जैसा कि आज का हमारा स्कूल है। दे लर्न द सेम थिंग, सेम चीज़ सीखते हैं, सो दे कुड हेल्प वन अनादर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट, इसलिए वो आपस में बातचीत भी अच्छे से कर लेते हैं, तो उन्हें सब कुछ एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। एंड द टीचर वर पीपल, जो टीचर थे वो कैसे थे, पीपल। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, बार बार मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रहा था। एंड वैन वी एडिड फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन करने के बारे में वो जब उसे बता रहा था, वैन वी एडिड फ्रैक्शंस एंड माजी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, जो हमारे लेसन का नाम है फन दे हैड, वो उसमें बताते हैं कि किस तरह से वो सोचा करती थी कि किस तरह से लोग इतना बच्चे जो थे वो इतना इन्जॉय किया करते थे। तो अब उसे ऐसा लगता है कि उस तरह की स्कूल हमारी भी होनी चाहिए। तो ये हमारा यह कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पर लेसन। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट ऑन कमेंट बॉक्स, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।